झारखंड में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कई खिलाड़ियों ने राज्य के साथ साथ देश का नाम रोशन किया। उनमें से एक है जेवलिन थ्रो की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रह चुकी मारिया गोर्ती खलखो, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडल अपने नाम किए। लेकिन आज वो आर्थिक तंगी की मार झेल रही हैं। वो लगातार सरकार से अपनी बची हुई जिंदगी जीने के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रही हैं। कोच का सफर तो मेरा 30 साल तक रहा, 1988 से 2018 तक मेरा कोचिंग लाइन में मैं अपना समय बिताई। मेरी स्थिति तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन अभी हमको मेडिसिन ही लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरा एक लंग्स नहीं है, इसलिए हमको सबसे धीरे से काम करना पड़ेगा। अच्छा से रहना है, ठंडा से बचना है, और मेरा मेडिसिन पर हर महीना मेरा 4000 खर्च होता है। इस खर्च के लिए मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मैं संविदा पर ही कर्जरत थी। 1974 में जब मारिया 8वीं क्लास की विद्यार्थी थी, उस समय जेवलिन मीट में गोल्ड मेडल जीता, ऑल इंडिया रूरल समिट में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, 1975 में स्कूल नेशनल मणिपुर में गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर 1975-76 में जलंधर में अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन मीट में नया रिकॉर्ड बनाया, फिर 1976-77 के दौर में बनारस में जेवलिन में गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी कोच का सफर 30 साल तक रहा। आज वो बेबसी की जिंदगी जी रही हैं। उनका एक लंग पूरी तरह खराब हो चुका है। इलाज में विभाग से थोड़ी मदद जरूर मिली, लेकिन वो नाकाफी है। मारिया ने कई खिलाड़ियों को तराशा है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रहे हैं। आज भी मारिया आस पड़ोस के बच्चों को खेल के गुर सिखा रही हैं। लेकिन आज वो मायूस होकर अपनी बहन के खेतों में समय बिताने को मजबूर हैं। हम दूध देने आते थे तो उन्होंने मेरा पैर देखा तो फिर बोला कि तुम सीख सकती हो, तो अभी हमको वो सिखाती हैं। हम ये झारखंड के खेल के क्षेत्र में अनमोल धरोहर है, और इन्होंने अपने जीवन काल में झारखंड के लिए, झारखंड के खिलाड़ियों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए इन्होंने अनेक नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी इन्होंने बनाया। तो ये जब इनकी अंतिम पड़ाव पे ये जीवन काल में हैं, और जब जीवन काल में इन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ के बच्चों को पहुँचाया अपने अच्छे मुकाम पर, तो इनको कम से कम सरकार एक पेंशन योजना लागू करे। झारखंड को खिलाड़ियों का गढ़ माना जाता है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जरूरतमंद खिलाड़ियों तक वो पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए जरूरी है कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि मारिया जैसी विरासत को हम सहेज सकें। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।